नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। श्रेया प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। विद्यालय में बच्चों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जाने के साथ ही श्रेया के अभिभावकों को क्षतिपूर्ण के रूप में 50 लाख रुपए दी जाने की मांग। श्रेया प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए आपने निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा के मानकों को खुलेआम अवहेलना को लेकर जहाँ आवाज उठाई, वही श्रेया के हत्यारों को फांसी और परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दी जाने की मांग की। पूर्वांचल प्रांत प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि निजी विद्यालय चिल्ड्रन कॉलेज हरबंसपुर की छात्रा श्रेया तिवारी द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की छत से गिरकर हुई मौत का मामला निंदनीय व शोचनीय है, जिसमें स्कूल प्रशासन ने मृतक छात्रा के परिजनों को घटना की सही सूचना न देकर उन्हें गुमराह किया। भले ही प्रधानाचार्य और क्लास टीचर को सजा दी गई, लेकिन ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शिक्षा विभाग को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विद्यालयों की मनमानी प्रशासन के संरक्षण में चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निजी विद्यालयों को कोरोना काल में वसूली की गई फीस वापस करने के आदेश पारित किया गया, जिसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन आज तक यूपी के निजी विद्यालय माध्यमिक उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कराए गए। आप आम आदमी पार्टी द्वारा बार बार इसको लेकर आवाज उठाई जा रही है, स्थानीय प्रशासन विद्यालयों की साजिशों में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रकरण में मृत बच्ची श्रेया के अभिभावक को क्षतिपूर्ति के रूप में शासन से 50 लाख तत्काल दिए जाए। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में बच्चों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कड़े प्रबंध किए जाए और स्कूल प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और क्या मांगे हैं उसमें और किस संबंध में ज्ञापन दिया? देखिए, श्रेया तिवारी की घटना से आप सब लोग अवगत हैं और इस जिले के विद्यालय चिल्ड्रन कॉलेज में वो पढ़ती थी और उसकी परसों मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। और विद्यालय जहां अभिभावक अपने बच्चों को भेज करके और निश्चिंत रहता है कि बच्चा वहां आज गया हुआ है, वो शिक्षित हो रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और उसके लिए अभिभावकों से विद्यालय मोटी फीस लेते हैं, हर अभिभावक निश्चिंत रहता है। लेकिन आज पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, घटना मेरे आजमगढ़ की है, प्रदेश के विद्यालय एक मोटी फीस लेने के बाद भी बच्चों के जीवन की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। श्रेया की जिस तरह से मौत हुई, उसमें ये प्रकरण है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मौत के बाद साक्ष्य को मिटाने का काम कोई दूसरा नहीं विद्यालय प्रशासन ने किया, ये एक आपराधिक कृत्य है। साक्ष्य मिटाया, वहीं बगल में उनके चाचा, श्रेया के चाचा एक विद्यालय में पढ़ाते थे, बगल में ही उन्हीं के विद्यालय, उनको जानकारी थी लेकिन सूचना नहीं दी गई उनको। श्रेया की माँ बिलख रही है, उनके पिताजी बिलख रहे हैं और उनको बुला करके गुमराह किया जा रहा है कि इस अस्पताल में जाओ, उस अस्पताल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और जब पत्रकार बंधु आप सारे हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 1.5 घंटे तक गेट बंद करके और साक्ष्य मिटाया गया। तो इस तरह का आपराधिक कृत्य अगर विद्यालयों के अंदर होगा तो हम सभी अभिभावकों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। और इस सरकार में जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां अब अगर विद्यालयों में भी ये बात आएगी सामने तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आज इसको लेकर के हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि इस विद्यालय प्रशासन से वसूल करके 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में श्रेया के माता पिता को दिया जाए और जिले भर के जितने विद्यालय हैं वहां पर यह सुनिश्चित हो कि जितने भी सुरक्षा के मानक हैं वो कंप्लीटली
कायदे से वहां पर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर बैरिकेटिंग है कि नहीं है ताकि बच्चा खेलते हुए जाए और वहां से गिर जाए और उसकी प्राण चले जाए या उसका हाथ पैर टूट जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।